हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, हमारा सेवंथ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका था और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था आदि समूहों ने भी उठाया। तो चलिए, अब हम जो है इसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है उनके एग्जाम में। पर्यावास, पर्यावास का अर्थ क्या होता है? इसका तात्पर्य है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। ठीक है, परी और आवास, यानी ऐसा आवास, ऐसी जगह जहां पर लोगों की जो सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली है वो हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो उसे जो है वो पर्यावास कहते हैं। इस पूरे काल के दौरान क्रम से जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका भी बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा और कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और किसान बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों, मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर जो है वह भी आने लग गया और ये हमें दिखाई देने लगा। कुछ के पास जो है ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी यानी जानवरों को भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। तो इन सब लाइनों से क्या पता लग रहा है कि समाज में जो अंतर था वो दिखाई देने लगा। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियां, उपजातियों इसमें बंटने लगे। यानी पहले तो जाति उपजाति ऐसा कुछ नहीं था, लोग समूह में रहते थे। और अब जो है, जब धीरे धीरे समाज में अंतर दिखाई दिया सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, तो लोग जाति उपजाति में बटे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा दर्जा भी दिया जाने लगा। यानी ये उच्च वर्ग का है, ये निम्न वर्ग का है। ठीक है, ये दर्जे जो है स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे जो है वो समय के अकॉर्डिंग बदलते भी रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और दर्जा हो सकता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों के नोट करने के लिए कुछ भी नहीं है, साइड में बॉक्स में देख लेते हैं कि क्या इसमें है, क्या कुछ आप लोगों के लिए। इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित हैं, उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर या गांव में सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं? तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्र और साम्राज्य। यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मिलेगा। चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3, मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान ग्यासुद्दीन बलबन, दिल्ली का सुल्तान कौन है? ग्यासुद्दीन बलबन, जिसका समय है 1266 से 1287। इसकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति, और प्रशस्ति का मतलब मैंने आपको बता दिया था प्रशंसा। ठीक है, तो प्रशंसा में जो है एक संस्कृत में प्रशस्ति लिखी हुई है, जिसमें उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। तो यहां तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था, बंगाल से लेकर गजनी तक। ठीक है, अफगानिस्तान के गजनी तक, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत त्रिवेण भी आ जाता था। गोंड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी आगे सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो है वो बढ़ा चढ़ाकर जो है वो कही गई है। यानी दिल्ली के सुल्तान जो है ग्यासुद्दीन बलबन, उनके दरबार में ही कोई रहा होगा, उन्हीं का प्रिय, तो उसने बढ़ा चढ़ाकर ये चीजें जो है लिखी हैं कि इसने जो है यहां से यहां तक जो है वो
अभियान जो है वो चलाए थे। साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैप में आप देखिए, ये जो मैप है ये मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अफसर ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्य काल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत है। तो मोहम्मद तुगलक जो दिल्ली का सुल्तान था उसके अंतर्गत जो है ये पूरा जो राज्य है ये आते थे, ठीक है, जो ये नंबर इन्होंने दिए हुए हैं, यानी संपूर्ण भारत ही समझिए आप, संपूर्ण भारत में ही जो है इसने अपना वर्चस्व फैलाया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नाम है, सिविस्तान है, उच्च मुल्तान, कालानौर, लाहौर, समाना, सुरसुती, कोहराम, हांसी, दिल्ली, बंदायू, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, द्वार समुद्र और मालाबार। तो इन सभी राज्यों पर जो है इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने इसने अपना जो है साम्राज्य फैलाया हुआ था। तो इतिहासकार बोलते हैं कि ये बढ़ा चढ़ाकर जो है कहा गया है, ऐसा नहीं था। उसके बाद देखिए भाषा तथा क्षेत्र। देखिए आप लोग यदि चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे जो है इस चीज को फॉलो करते हैं, सुनते तो सभी हैं बट फॉलो बहुत कम बच्चे करते हैं, उनको लगता है कि टाइम वेस्ट होता है। जबकि चैप्टर पढ़ाते हुए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। चैप्टर भी जो है वो आप लोग रीड कर लो, क्वेश्चन आंसर जो है वो फटाफट से सॉल्व कर लो, पता लग जाए आपको कि आपने चैप्टर में जो जो चीजें पढ़ी है वो आपको कितनी याद है, ठीक है। तो इसको जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस क्षेत्र के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री जो दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मावारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश और हिंदी भी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। तो अमीर खुसरो को तो हिंदी भाषा के जो है कहते हैं कि सबसे पहले जो है वो कवि ही माना जाता है इनको, हिंदी भाषा को लेकर आने वाले। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती है, ठीक है। तो संस्कृत भाषा के बारे में वो बोलते हैं अमीर खुसरो कि केवल ब्राह्मण जानते हैं इस भाषा को, आम जनता नहीं जानती है। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची को उन भाषाओं के नामों को बनाइए जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज बोली जाती हैं। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित करिए, जो नाम भिन्न हैं उनके चारों ओर घेरा खींचकर जो है घेरा खींच दीजिए। तो ये जो है आपको जो इन्होंने बताया है कि इस प्रांत में ये वाली भाषा बोली जाती है, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, वैसे आपको याद ही है। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, उनकी अपनी भाषा सांस्कृतिक विशेषता स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच जो है वो काफी टकराहटे चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 दोनों की तालिका 1 की तुलना कीजिए, खलजी और मुगल वंश के शासन जो है कितनी कितनी अवधि तक चले। तो यहां भी कोई जरूरी बात नहीं है आपके लिए। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अभी यहाँ पर देखिए थोड़ा जो बातें हैं यहाँ पर लिखी गई हैं, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, मुगल काल हो, ठीक है, यहाँ आपको डिटेल में जो है नहीं मिल रहा है, लेकिन आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में चलते जाएंगे इन्हीं के बारे में आपको जो है डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। और वैसे एनसीईआरटी में देखिए मुगल वंश जो है उसको तो हटा ही दिया गया है। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति, भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच
के हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। तो ये सब सामान्य बातें हैं, यहाँ पर कुछ भी आपके नोट करने के लिए भी नहीं है, ना ही आप लोगों के याद करने के लिए। जो भी याद करने के लिए होती है वो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, उन्हीं को आप नोट करिए, ध्यान में रखिए। पुराने और नए धर्म, इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप जो है वो सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्वों में सामूहिक आस्था धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बड़ा महत्व, बढ़ता हुआ महत्व और बढ़ती सत्ता। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में इनका बड़ा आदर होता था, किनका? ब्राह्मणों का, क्योंकि इनको संस्कृत भाषा ज्यादा आती थी, सामान्य लोगों को नहीं आती थी, और ये ही इनके संरक्षक बन गए। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका भी दबदबा और भी बढ़ गया। ठीक है, तो बिल्कुल उच्च शिखर पर जो है ब्राह्मण आ गए, और उसके बाद जो है उनका उनको जो है संरक्षण प्रदान किया, तो वो शासक आ गए और उनकी जो है मान सम्मान उसमें वृद्धि हुई। यहाँ पर देखिए, संरक्षक का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज की जो रक्षा करे। कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, तो वह उसका क्या कहलाएगा? संरक्षक कहलाएगा। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान जो है कुरान शरीफ जो है इसको अपना क्या मानते हैं? धर्म ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, जैसे ईसाई जो है वो बाइबल को मानते हैं, हिंदू लोग जो है वो रामायण भगवत गीता को मानते हैं। इसी तरीके से केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे ये लोग, जिसका प्रेम, करुणा, सौंदर्य अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा जो है, सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्म शास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही बात, इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे। तो मुसलमान भी दो भागों में बटे हुए थे, एक शिया और दूसरे सुन्नी। ठीक है, तो जो शिया थे वो पैगंबर साहब जो थे इनके दामाद अली को मानते थे नेता, और जो सुन्नी मुसलमान थे तो ये खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सिया मुसलमान थे तो पैगंबर साहब जो है वह किससे संबंधित थे, सिया या सुन्नी? ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो यहाँ केवल दो ही पॉइंट थे ध्यान रखने को, समय और इतिहास के कालखंडों का विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन, वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है या दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन आया है। तो समय और जो इतिहास जो है उससे हमें क्या पता लगता है कि पहले का जो समय था और अब के समय में कितना अंतर आया है, क्या परिवर्तन आया है लोगों के विचारों में, विश्वासों में क्या परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेष रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम जो है इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं ताकि आसान हो जाए।
19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को तीन युगों में बांटा। अब अंग्रेज जो इतिहासकार थे उन्होंने तीन भागों में बांटा, कौन कौन सा, एक तो है हिंदू, दूसरा है मुस्लिम और उसके बाद है ब्रिटिश। यानी कि सबसे पहला जो भाग था उसमें हिंदू, इनका जो है प्रभुत्व रहा। उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि दिल्ली के सुल्तान जैसे ही एंटर कर देते हैं भारत में, और उसके बाद जो है मुस्लिम साम्राज्य की नींव रख जाती है, ठीक है। तीसरा जो भाग था वह अंग्रेजों के अधीन रहा, ब्रिटिश साम्राज्य। तो अंग्रेज इतिहासकारों ने जो है 19वीं सदी के बीच में जो है इसको तीन भागों में बांटा। अब देखिए बच्चों की जो है यही प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर कि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसमें से याद क्या करना है। तो इसीलिए जो है वो चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को नोट्स के माध्यम से जब पढ़ाती हूँ तो उसमें 6 से लेकर 12th तक का, अगर रीट प्री का एग्जाम देते हैं तो 6 से 10th तक का कंप्लीट उसमें कवर होता है। मेंस का एग्जाम देते हैं 6 से 12th तक का कवर होता है। जहां आप सेकंड ग्रेड की बात कर रहे हैं, जिन भी बच्चों ने पढ़ाई की है तो उनको पता है कि उनके मार्क्स जो हैं जो भी बन रहे हैं, अभी रिजल्ट जो है नहीं आया है सेकंड ग्रेड का, तो उसमें जो उनके मार्क्स बन रहे हैं तो बहुत अच्छे बन रहे हैं। उसकी वजह क्या रहती है कि आप लोग डिटेल में अध्ययन करते हैं, और मेरे जो नोट्स हैं वो इतने ऑथेंटिक बुक से बनाए हुए हैं नोट्स, जो कि अगर सेकंड ग्रेड की बात करें तो वहां ग्रेजुएशन तक की बुक जो है उनको मैं बहुत ज्यादा महत्व देती हूँ, ठीक है। किसी भी तरीके की गाइड का यूज जो है वो मैंने ना कभी किया है, ना ही मैं बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग गाइड लेकर आओ। गाइड में जो है वो आप लोगों को जो भी चीजें मिलेंगी तो वो चीज आप कितना भी याद कर लो वो एग्जाम टाइम तक जो है वो आप भूल भी जाते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है आपको सभी को पता है, इतना घुमाकर आता है कि आप लोगों को गाइड में भी वो चीज नहीं मिल पाती है, ठीक है। 50% तक तो सभी आंसर दे देते हैं लेकिन बात आती है 50% से ऊपर की, तो वहीं पर बच्चे जो है वो मात खा जाते हैं। इसीलिए जो है चीजों को बहुत अच्छे से पढ़िए, आप लोग खुद नोट्स बनाइए। अगर आपने शुरुआत की है तो आप खुद नोट्स बनाइए, 6 से 12 तक की जो बुक्स हैं उनको आप कलेक्ट करके, और फिर आप जो है उनमें से महत्वपूर्ण जो चीजें होती हैं उनको नोट डाउन करिए ताकि एग्जाम टाइम में आपके काम आ सके, ठीक है। बुक्स तो एक बार आपको पढ़नी जरूरी है तभी आप उनमें से जो अच्छी बातें होंगी उनको आप लिख पाओगे, जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात होंगी उनको आप लिख पाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो तैयारी होती है, और सिलेक्शन भी देखिए ऐसे बच्चों का होता ही है। अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है, इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो अब हम कहते भी हैं तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम कभी नहीं कहेंगे हिंदू, मुस्लिम या ब्रिटिश, ठीक है, ये कभी नहीं कहते हैं। तो इसको बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं, अधिकतर इतिहासकार जो है वो आर्थिक और सामाजिक कारक के आधार पर जो है इसको बांटते हैं। पिछले साल जो है आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों में कई प्रकार का समावेश था, जैसे कि शिकारी संग्राहक थे, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी थे, ठीक है, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय साम्राज्य, राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासी वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो यहाँ आपको जो है ये समझिए कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है मध्यकालीन भारत का, कैसे कैसे जो है नए साम्राज्य राज्य उभर कर सामने आए। भारत के इतिहास के ये हजार साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं, आखिर 16वीं, 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफी भिन्न थी, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की जो तुलना है प्राय आधुनिक काल से की जाती है, आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति, बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल जो है रूढ़िवादी था और इस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन हजार वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाज में प्राय परिवर्तन तो आते ही रहे हैं। जब हम तुलना करते हैं तब हमें पता लगता है कितना परिवर्तन आया। कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों, यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। तो जब सिक्स क्लास उसको आपने पढ़ा था तो उसमें आपको जो है पता लगा था
आरंभिक जो मानव था वो किस तरीके से रहता था, ये चीजें हमें समझ में आई, ठीक है। और जब 7th क्लास हमने स्टार्ट की है तो मध्यकाल को ये बता रहे हैं, मध्यकाल में जो है वो शासक वर्ग जो थे ना वो धीरे धीरे उभर कर जो है सामने आए। तो यहाँ पर जो है अब आती है बारी क्वेश्चन आंसर की। चैप्टर यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो इनके क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था, तो मैंने आपको बताया था चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, विदेशी उसको कहेंगे जो एक ग्राम या क्षेत्र जो है उससे बाहर का कोई अनजान व्यक्ति अगर उस गांव में आ जाता है तो वो उसके लिए विदेशी है अतीत में। और वर्तमान में विदेशी कहते हैं कि एक देश से बाहर का जो व्यक्ति है वह विदेशी है। नीचे उल्लेखित बातें सही हैं या गलत, तो आप सोचिए कि सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं, क्या ये सही है। इस काल के यानी इसी समय के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की, क्या मराठों के बारे में हमने पढ़ा चैप्टर में। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। सुल्तान ग्यासुद्दीन बलवंत असम मणिपुर और कश्मीर का शासक था। तो ये क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपको देने की कोशिश करना है, हर बार मैं देती हूँ आपको, इस बार आप जो है सोचकर लिखें। और रिक्त स्थान जो है वो भी आप वीडियो को जो है वापस देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा। यदि आप क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हो इसका मतलब आपका चैप्टर जो है वो बिल्कुल क्लियर है, यदि आप नहीं दे पा रहे हो तो दोबारा पढ़ें। अभिलेखागारों में डैश रखे जाते हैं, क्या रखे जाते थे अभिलेखागारों में, ठीक है। डैश 14वीं सदी का एक इतिहासकार था, तो हमने जो है वो है 13वीं सदी का 14वीं सदी का इतिहासकार, हमने उनका नाम भी पढ़ा था, ठीक है। उन्होंने क्या काम किया वो भी हमने देखा। डैश 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 और डैश इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें थी। तो ये जो है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसके आंसर जो है वो आपको देने हैं, कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका क का आंसर सही या गलत, इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आप जो है वो आंसर देने की कोशिश करें 2nd का और 3rd का। तो हम देखेंगे कि जो है आप कौन कौन से बच्चे हैं जो कि बहुत ध्यान से और डीप में जाकर पढ़ते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।